श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर निकाली गई थी शोभा यात्रा। जी हाँ, परसा हाई स्कूल परिसर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी सह पूजनोत्सव कार्यक्रम को लेकर सोमवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। परिसर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भक्तजन जय कृष्णा राधे राधे जय घोष के साथ पूजा स्थल हाई स्कूल से परसा चौक, थाना चौक, खलीफा चौक, परसा बाजार होते हुए पूजा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान राधे राधे भगवान श्री कृष्ण के जयकारा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वृंदावन से आए हुए बलिराम तिवारी ने बताया कि 6 दिनों के कृष्ण लीला कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध की लीला भक्ति में माहौल में दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि पूजा अध्यक्ष समिति शैलेंद्र कुमार ने बताया कि रात को चंद्रिका राय ने इस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में 6 दिनों तक खेलकूद और संध्या में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने क्या कहा, सुनिए वीडियो। पूजा समिति में के जवान नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित नंदू भाऊ, सभी श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, मित्रों, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था। जेल में पैदा लिए थे, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी पैदाइश जेल में हुई होगी, मगर उनके पैदाइश से उन्होंने पैदा नहीं लिया, जन्म नहीं लिया, उन्होंने अवतार लिया था जेल में। और जिस समय अवतार लिया उस समय गहरे अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश था, कंस के आतंक से सभी लोग पीड़ित थे। मगर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही अद्भुत क्रिया हुई, गेट का फाटक खुल गया, सिपाही सारे बेहोश हो गए और भगवान श्री कृष्ण को उठाते हुए यमुना से लेकर के बाहर ले जाने का काम किया। भगवान के आते ही चमत्कार होना शुरू हुआ और अंधेरा से उजाले की ओर प्रदेश होना शुरू कर गया। मगर भगवान श्री कृष्ण किसे पैदाइश और अवतार के बारे में नहीं जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत में उपदेश देने का काम किया था, गीता के माध्यम से जो अर्जुन को उन्होंने देने का काम किया था उपदेश, वही सबसे अहम है। और वही हमेशा आप जानते हैं कि पूरे विश्व में उस गीता को लोग खाली पुस्तक नहीं मानते हैं, एक तरह का जीवन यात्रा का संदेश मानते हैं। और उसका अगर आप अनुसरण करेंगे निश्चित रूप से तो आपके जीवन में सारी दुविधा है, मन में संशय है, जीवन को किस तरह से जिया जाए, किससे हम जिए, किस तरह से हम अपने आचार व्यवहार को बना करके आगे रखने का काम करें, उससे साफ पता चलने का काम करेगा। अभी नंदू बाबू कुछ बातें बोल रहे थे घमंड बांट के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि पूजा समिति के सदस्य में तो बड़ा अच्छा आचरण इन लोगों ने किया, घमंड तो दिखता नहीं है उन लोगों ने। और जहां तक घमंड की बात है, गीता से ही मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना, एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। जब कर्ण महाधर्मधर कर्ण का वध हो गया था और अर्जुन नीचे पहुंचे और अर्जुन बहुत गुस्से में थे भगवान श्री कृष्ण से, वो कह रहे थे कि क्या प्रभु, मैं जब मान चलाता था तो कर्ण पारस 10 फीट पीछे चला जाता था और वो जब मान चलाता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 टेक पीछे जाता था, फिर भी आप कर्ण को कहते थे वाह कर्ण क्या तुमने मान चलाया है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहे कि अर्जुन ये घमंड मत करना कि ये कर्ण तुम्हारे द्वारा मारा गया है। कहा कि प्रभु मेरे ही द्वारा कर्ण मारा गया है, आप कैसी बात करते हैं, और ये देखिए मैं उसके रथ को कितना पीछे भेज देता था। श्री कृष्ण मुस्कुरा करते हैं, मेरे मूर्ख, जिस रथ का मैं साथी था, मैं पूरा ब्रह्मांड का भाग लेकर के उसमें बैठा हुआ था और उसके ऊपर हनुमान ध्वजा के रूप में विराजमान थे, और वैसे रथ को वो कर्ण 2 कदम पीछे फेंक देता था, उससे बाद हम उधर कौन हो सकता था। इसे अभिमान करने का काम नहीं करो, घमंड करने का काम नहीं करो। और अर्जुन ने कहा कि फिर भी प्रभु वो तो मेरे ही मान से मारा गया, कहेंगे नहीं ये भी घमंड मत करना, वो कर्ण को
ऋषि परशुराम का श्राप था। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को विद्या देते थे, मगर ये सूत पुत्र होते हुए भी क्या करके ब्राह्मण की श्रेणी में खड़ा होकर के परशुराम जी से शिक्षा लेने का काम किया। और इसीलिए परशुराम जी को पता जब चला तो उन्होंने इसे श्राप दिया कि अंतिम समय में जब तुम असली समय तुम्हारा आएगा तो तुम्हारा सारा ज्ञान फेल हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त कर दोगे। तो ये तुम घमंड कभी मत करना कि तुम्हारे कारण तुम इतने बड़े बड़े धनुर्धर हो या इतना प्रभावशाली आदमी हो, ये घमंड कभी मत करना। और भगवान ने कहा कि महाबली हनुमान आप रथ से उतरिए, महाबली हनुमान रथ से उतर गए, साक्षात उतर गए। उन्होंने कहा कि इस मूर्ख को दिखाइए आप अपना ध्वजा भी रथ से उतार लीजिए। जैसे हनुमान जी का ध्वजा होता रथ चकना चूर होने का काम किया, इसे अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा जो हनुमान जी की तरह जो प्रभावशाली थे, महाबली अखिलेश बल धामा थे, जो सहस्र जन पर भानु धानु को भी मिल जाते थे, मधुर फल समझ करके ले जाते थे, जो संजीवन जब बूटी नहीं समझ में आ रहा था तो पहाड़े को उठाने का काम किए थे, माता की सीता को खोजने के लिए सात समुद्र पार करने का काम किया था, वैसा बलशाली आदमी ने कभी नहीं कहा कि मैं इतना बलशाली हूँ। उन्होंने हमेशा कहने का काम किया कि मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, भक्त हूँ, मैं कोई महापुरुष प्रभावशाली नहीं हूँ। तो हम लोग भी आज उसी की बात करते हैं। आज हम लोग कितना भी प्रभावशाली हो जाए, कितना भी मंत्री हो जाए और विधायक हो जाए, हम लोग घमंड नहीं करते हैं। आज भी और कभी भी हम लोगों के ही सेवक रहने का काम किए, ऐसा ही ज्ञान हम लोगों को भी गीता से मिलने का काम है। गीता एक आदर्श है, जो भी आदमी इसको अपनाएगा वो जीवन में निश्चित तरह से जीवन का क्या सार है, क्या मंत्र है, किस चीज के लिए हम लोग गीता है, क्यों आए हैं धरती पर, ये सारे चीज गीता में वर्णित है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कृष्ण की तो कई लीलाएं हैं जिसका वर्णन हमारे साधु महात्मा लोग करने का काम करेंगे, मगर मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ। गीता में जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देने का काम किया, वो ये पुस्तक है, उसको निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए। कृष्ण ही भगवान थे, अवतार थे, उन्होंने जो भी कहा है अनुसरण उसका पालन करे, अनुसरण करे तो निश्चित रूप से मानवता के लिए अच्छा होगा, मानवता के लिए आगे बढ़ने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पूजा समिति के सभी नौजवान सदस्य, ऊर्जावान सदस्य, सारे लोगों भक्ति में सदस्य लोग हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखने करने का काम किया, और पहले से भी आप लोग अच्छा कार्य करने का काम करते हैं, और आने वाले समय में भी और इससे भी अच्छा काम करने का काम करें। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।